दोस्तों, जिंदगी को शांति से जीने के दो ही तरीके हैं। एक ये कि भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ कर नहीं सकते, दूसरा माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं AS चौहान जीके राजस्थान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्त, एग्जाम कोई भी हो, प्रिपरेशन कोई भी हो, एक स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी तैयारी को उस लेवल तक लेकर के जाएं जिससे मेरे मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि हाँ, हम इस एग्जाम में अपनी एक सीट सुनिश्चित करने वाले हैं, यानी कि इस एग्जाम में हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। दोस्त, यहाँ पर हम आपको अध्ययन कराने के लिए शामिल नहीं हुए हैं, हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए हैं, वो रीट को लेकर के है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्त, काफी दिनों से हम एक दो महीने से इंतजार कर रहे थे कि हमारे शिक्षा मंत्री साहब आने वाले हैं और हमें आज हमारा फाइनल हो जाएगा कि रीट का एग्जाम कब होना है, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। ये सारी चीजों के लिए हमारे मन में एक दुविधा थी और कल जब शिक्षा मंत्री साहब हमारे सामने आए तो ये दुविधा फाइनल ही नहीं हो पाई। कहने का अर्थ ये है कि दोस्त, रीट को लेकर के पहली बात तो यह है कि आपको बता देना चाहिए था कि इसमें बीकॉम वाले यानी कि कॉमर्स वाले शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं आई सामने। दूसरी बात, रीट का जो एग्जाम है इसका क्या पैटर्न होगा, यानी कि इसमें कहने का अर्थ है एक परीक्षा होगी कि दो परीक्षा होंगी, अगर दूसरी परीक्षा होगी तो इसमें सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीजें हमें अवगत करानी थी गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तीसरी बात, इस एग्जाम को लेकर के असमंजस बना हुआ है स्टूडेंट्स के मन में कि कब होगा, ना जाने कब होगा, ना जाने कब कोरोना खत्म होगा, ना जाने कब एग्जाम होगा। इसको लेकर के मेरे मन में, स्टूडेंट के मन में एक दुविधा है जिसके लिए, जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी को उस स्तर पर लेकर के नहीं जा पा रहे हैं जिस स्तर पर उनको ले जानी चाहिए। अब देखिए दोस्त, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आपका यार आपका आरएसएसबी एग्जाम को लेकर के कैलेंडर जारी कर सकता है तो रीट के एग्जाम में असमंजस क्यों, इसके भी एग्जाम की बातें गवर्नमेंट सामने क्यों नहीं लाती है। दोस्त, लाना चाहिए था। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूं या बीजेपी की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं किसी भी पार्टी के साथ में नहीं हूं, मैं साथ में हूं अपने स्टूडेंट्स के, मैं मदद करने जा रहा हूं अपने स्टूडेंट्स की। दोस्त, स्टूडेंट के सामने एक दुविधा है, इस दुविधा को गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए था, जैसा कि आरएसएसबी ने किया है। इसने मन में दुविधा थी एग्जाम को लेकर के, उसको दूर किया है। अब स्टूडेंट के सामने एक बेहतरीन लक्ष्य है और स्टूडेंट अपनी आसानी से तैयारी करने में लग गया है। इसकी दुविधा व्याप्त है, स्टूडेंट मन नहीं बना पा रहे हैं। अब दोस्त, आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, आपको क्या करना है जब गवर्नमेंट ने कुछ भी आपकी सहायता नहीं की है, कुछ भी बताया नहीं है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है। मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं यहां पर। देखिए दोस्त, आपको यह पता है कि जो दोस्त आरटेट में जो पहले एग्जाम होता था, पैटर्न होता था, वो तो याद रहेगा ही, तो क्यों ना आप अभी से उस एग्जाम की तो तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि वो चीज तो हटने वाली है नहीं, इसमें ऐड ही होगा कुछ ना कुछ। और मुझे पूरा विश्वास है, यहां तक मेरी संभावना है कि इसमें ऐड होने वाला है दोस्त क्या, राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति। अब देखिए दोस्त, संभावना ऐसी लग रही है कि आपके रीट के एग्जाम में ये चीज ऐड होने वाली है, तो दोस्त बेहतर यह होगा कि जो पहले आरटेट जैसा एग्जाम होता था उसकी तैयारी आप अभी से करने लग जाएं, आज से ही करने लग जाएं, प्लस साथ में इसका भी अध्ययन करने लग जाएं, ताकि दोस्त कभी ना कभी तो यार कोरोना खत्म होगा, कभी ना कभी तो एग्जाम आप
आपके सामने आएगा, एग्जाम की डेट आपके सामने आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपकी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो अधूरी हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, अभी से आपको एकजुट होकर एक प्लान के तहत तैयारी करनी है। अब प्लान आप कैसे बनाएं? प्लान ऐसे बनाना है, आपको एक अपना दिन का गोल सेट करना है। आप जब आप एक दिन का गोल सेट कर लेंगे तो उसी गोल के अनुरूप आप दिन भर काम करेंगे, अध्ययन करेंगे। कहने का अर्थ है यार, एक आप टाइम टेबल बनाइए, सीधी सीधी बात है। एक आप टाइम टेबल बनाइए, जैसे मुझे एक घंटे इसका सीडीपी पढ़नी है, एक घंटे हिंदी पढ़नी है, एक घंटे संस्कृत पढ़नी है, एक घंटे मैथ पढ़नी है, ऐसा एक आप टाइम टेबल बनाइए और इस गोल को सेट करिए। और निश्चित है, ऐसा मन में बिठा के बैठिए, मैं तभी सोऊंगा जब तक जो मैंने गोल सेट किया था उनको उसको पूरा नहीं कर लेता, मैं सोऊंगा नहीं। अगर आप गोल के तहत, एक प्लान के तहत काम करेंगे, निश्चित है आपको क्या मिलेगी दोस्त, सफलता मिलेगी। अब देखिए दोस्त, कहने का मतलब है, चीजों को ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चीजों को आप सकारात्मक देखते हैं कि नकारात्मक देखते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच, इस कोरोना को आप अगर नकारात्मक मानकर चलेंगे, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, एक कोरोना को आप नकारात्मक मान के चलेंगे तो दोस्त निश्चित है अपने आप को आप धोखा दे रहे होंगे। इसको सकारात्मक मान के चलिए कि ये कोरोना आया है, मुझे भरपूर समय लेकर के आया है और इस समय का हम सदुपयोग करेंगे। इस समय में हम अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना देंगे कि एक सीट हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी और अपने आप को मैं समाज में साबित करके दिखाऊंगा। ऐसा आपको मान करके अध्ययन करना है और इस कोरोना को सकारात्मक लेना है, क्योंकि जैसा ही शिक्षा मंत्री साहब ने कहा है कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता, जब तक किसी भी एग्जाम को करा पाना थोड़ा सा इंपॉसिबल है। देखिए दोस्त, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जैसे राजस्थान पुलिस को लेकर के, तो राजस्थान पुलिस का भी तो दोस्त अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कब एग्जाम होने वाला है, लेकिन आप ये मानकर चलिए यार, एक महीने बाद होगा या दो महीने बाद होगा, कभी तो होगा एग्जाम। आप तैयारी करिए, बस एग्जाम की चिंता मत करिए। अब तैयारी करने के लिए और देखिए क्या कमेंट्स आए हैं। ग्राम सेवक भर्ती बिल्कुल आ गई है दोस्त, और कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है, आपको तैयारी क्या करनी है, तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने के लिए मैं आपके साथ हूं, ये चैनल आपके साथ है। अब देखिए, पहले पूरी बात को समझिए। एक मैं पहले बात बता देता हूं, इसके बाद थोड़ा सा अध्ययन कराता हूं आपको। आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, दो व्हाट्सएप नंबर, ये दोस्त हमारे ऑफिस के क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर क्या करना है दोस्त आपको, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर के आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या देने वाला हूं, इस नंबर पर मैं दूंगा आपको क्या, पीडीएफ। इस नंबर को आप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, किसकी, सीडीपी की, यानी कि बाल विकास की। इसके अलावा जो दोस्त जीके है, इसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। यार पीडीएफ की बात तो आपके व्हाट्सएप तक ही सीमित है, यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा भी आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, वीडियो मिलेंगी, जो महत्वपूर्ण सूचना होगी वो मिलेगी आपके चैनल में। इस चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की, उससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास फेसबुक भी की, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक भी लिंक है, उस फेसबुक पर जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको विश्वास दिलाने वाला हूं, आज ये चैनल आपके लिए लाएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी यहां पर। और ये लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके लिए आपके मोटिवेशन की मुझे जरूरत है, आपके साथ की मुझे जरूरत है। आपको साथ के कैसे देंगे आप, कुछ नहीं याद, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बस आपको इतना करना है
और मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं, मैं वादा करता हूं इस चैनल पर मैं हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेकर के आऊंगा, एक महत्वपूर्ण टीचर्स को लेकर के आऊंगा जो आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेंगे दोस्त। अब आप समझ ही गए होंगे इन बातों को। चलिए थोड़ा सा अध्ययन करा देता हूं आगे जाकर के। चलिए थोड़ा हम बाल विकास के बारे में अध्ययन करा देते हैं आपको। आपने दोस्त एक मनोवैज्ञानिक का नाम, अब ज्यादा समय तो नहीं है दोस्त, यहां पर हम अध्ययन कराने नहीं आए हैं, हम परिचर्चा करने आए थे रीट को लेकर के, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने आए थे। कहने का होता है, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, कोरोना कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये नकारात्मक सोच को अपने मन से गायब करिए। मान के चलिए आपका एग्जाम 1 या 2 महीने में 3 महीने में जल्द से जल्द होने वाला है, उसके लिए आप आज से ही प्रिपरेशन तैयारी कर लीजिए। और अब आपके मन में जो भी डाउट आता है उसको आप व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम फेसबुक पर मैसेज करिए, इस वीडियो के पर लिंक पर मैसेज करिए, आप मैं आपको सारी सुविधा दूंगा। अब इसके अलावा मैं आपको अध्ययन कराने नहीं आया हूं, थोड़ा सा अध्ययन करा देता हूं हल्का सा। चलिए बात हो रही है एक मनोवैज्ञानिक को पढ़ा देता हूं, बात हो रही है एक मनोवैज्ञानिक है दोस्त जिनका नाम है अल्बर्ट बांडुरा। इन्होंने देख दोस्त एक सिद्धांत दिया है, इनके सिद्धांत को जाना जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बहुत सारे नाम हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अभी मुझसे बोले देता हूं। इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है निर्दर्शन का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का एक हिस्सा है छोटा सा, या कि उप सिद्धांत कह लीजिए, जिसको कहा जाता है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, उसको भी मैं लिख देता हूं। इन दोनों को मैं समझा देता हूं। देखिए ये सिद्धांत अलग है और इस सिद्धांत की मैं बातें कर रहा हूं, ये अलग है। पहला देखिए मैंने लिखा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसी का नाम है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है निर्दर्शन का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है अवलोकनात्मक प्रेक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऐसे सारे नाम हैं। अब देखिए अल्बर्ट बांडुरा साहब क्या कहना क्या था, ये कहते थे, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या कहता था, ये कहते थे हमारा जो अधिगम है जरूरी नहीं है हम करके सीखें, हम किसी का अवलोकन करके, किसी का परीक्षण करके, किसी को देख देख कर भी हमारा अधिगम हो जाता है। इसीलिए किसी को देख करके जब अधिगम करते हैं तो क्या मैं इसको नहीं कहूंगा आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि जिसको हम देख करके अधिगम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, एक आइडियल होगा, एक मॉडल होगा, एक क्या होगा, आदर्श व्यक्ति होगा। कहने का अर्थ क्या है, इनका कहने का अर्थ था जरूरी नहीं है हम करके सीखें, हम किसी को देखकर अवलोकन करके भी अधिगम हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक व्यक्ति का हाथ गलती से आग में चला जाता है और आग जानते हैं, आग हाथ आग में चला जाएगा तो हाथ जल जाएगा, गलती से उसका हाथ आग में चला गया है और हाथ जल गया है, तो आप ये बताइए क्या दोस्त आप यह देखकर मान जाएंगे कि आग हमें जलाती है या अपना भी हाथ आग में ठूस देंगे? उत्तर है नहीं, अपना हाथ कभी आप आग में नहीं डालेंगे, दूसरे का हाथ आग में जाने से जल गया है इसको देखकर आप मान जाएंगे क्या कि आग हमें जलाती है? इसी को कहा है देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, हम समाज में देख देख कर अपना अधिगम कर लेते हैं दोस्त। अब आप समझ ही गए होंगे। दूसरा और समझा देता हूं जल्दी से, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसको समझिए। जैसे एक ये रास्ता है, इस रास्ते पर ये चौराहा है, यहां से ये रास्ता गए हैं
चलो अप्रत्यक्षात्मक अधिगम को समझाने जा रहा हूं। इस चौराहे का नाम है सिविल लाइन। अब देखिए आप अपनी कार से यहां से आ रहे हैं, यहां से अपनी कार से आ रहे हैं। जैसे ही आप यहां आते हैं आपके कार में एफएम रेडियो बज रहा है तो उस पर अनाउंस होता है, क्या ध्यान से सुनिए, अनाउंस होता है कि सिविल लाइन वाले चौराहे से मत जाइए, इस पर भीषण जाम लगा हुआ है। अब आप यह सुनकर यहां से अपने रास्ते को बदल लेते हैं और यहां से होते हुए यहां आगे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। यानी कि आपने एफएम पर जो अनाउंस हुआ था उसको सुनकर के आपने रास्ता बदल दिया है। अब आप सिविल लाइन वाले चौराहे से नहीं गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ये सिविल लाइन वाले चौराहे का जो जाम था उसकी उसको आंखों से देखा है? उत्तर है नहीं। आपने आंखों से नहीं देखा है फिर भी आपने रास्ते का अधिगम कर लिया। आंखों से नहीं देखा है इसीलिए इसको क्या मैं नहीं कहूंगा, क्या अप्रत्यक्ष? अगर आपने इस जाम को आंखों से देखा होता तो प्रत्यक्ष होता, लेकिन आपने देखा नहीं है इसलिए इसको कहा गया है क्या अप्रत्यक्ष। यानी कि आपने आंखों से नहीं देखा फिर भी आपने रास्ते का अधिगम कर लिया है, सीख लिया है, इसीलिए इसको कहा गया है क्या अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। मुझे लग रहा होगा आप दोनों सिद्धांतों को समझ गए होंगे अभी यहां पर। दोस्त अभी टाइम नहीं है कि हम इस पर बहुत सारी चर्चा कर पाऊं, अगले वीडियो में पूरी चर्चा होगी दोस्त, जब हम पढ़ाने लग जाएंगे, आपको अध्ययन कराने लग जाएंगे पूरे CDP की, राजस्थान जी के, कि ये सारी चीजों की आपसे चर्चा होगी। धीरे धीरे हमारी टीम तैयार हो रही है, बस मुझे जरूरत है आपके साथ की, जरूरत है आपके विश्वास की दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है आप साथ जरूर देंगे दोस्त। चलिए अब अगली मुलाकात होगी आपकी हमारी अगले वीडियोज में, तब तक आपको अपना और अपनों का ख्याल रखना है। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।